सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। वन पीस का मांगा चैप्टर 1042 का स्पॉइलर आ चुका है, तो जिनको भी स्पॉइलर जानना है प्लस मेरा ओपिनियन जानना, बिंदास होके इस वीडियो को एंजॉय करो। तो यार, सबसे पहला जो स्पॉइलर निकल के आता है वो है इस चैप्टर का टाइटल, जो कि होने वाला है विनर्स नीड नो एक्सक्यूज। साथ ही साथ हम कवर पेज में देख सकते हैं ओवन इज कैरिंग विंसमोक्स बुक टू होल केक आइलैंड, प्लस इसके बाद एक्सट्रैक्ट बसे सीपी जीरो बॉस, इन दोनों का फाइट हमें देखने को मिलता है, जहां पर एक्सट्रैक्ट जो है सीपी जीरो के बॉस के ऊपर हमला कर देता है। साथ ही साथ उसको भी उसका जवाब मिलता है, जहां पर सीपी जीरो का बॉस सिगान यूज करके एक्सट्रैक्ट के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट स्पॉइलर में द रेस्ट इज लूफी वर्सेस काइडो, जहां पर हमें देखने को मिलने वाला लूफी वर्सेस काइडो की फाइट। वहां पर हमें काइडो का और 3 नया ड्रंकन फॉर्म देखने को मिलता है, प्लस लूफी इसके बाद बाउंड मैन में चेंज हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लूफी को नया फॉर्म में चेंज होना ही था, मतलब गियर 4 बाउंस मैन, तो यार वो पिछले जो चैप्टर में क्यों बोला ये अटैक करते हुए तब तक नहीं रुकेगा जब तक काइडो को हराना दे, ये सब चूतिया पा क्यों पता नहीं यार। प्लस यहाँ पर हमें लूफी का एक और नया अटैक देखने को मिलता है, जिसका नाम होने वाला गोमु गोमु नो ओवर कॉन्ग गन। बड़ा ही अजीब नाम है, पर शायद खतरनाक सा हो, काइडो को और ज्यादा डैमेज पहुंचाए, मैं ये चीज देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर काइडो भी अपना नया अटैक करता है, जिसका नाम है साइहू हाके। अब पता नहीं यार, जब मांगा चैप्टर आएगा ये देखने में और ज्यादा मस्त लगेगा, मैं वो चीज देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये दोनों का फाइट यार बहुत ज्यादा मैं एंजॉय करने वाला हूँ, मेरे को फील आ गया है। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ चैप्टर सीपी जीरो बॉस अपीयर्स एंड लूफी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। सीपी जीरो का बॉस वहां पर अपीयर होता है, जिस वजह से लूफी का ध्यान भटक जाता है, और उसके बाद काइडो ब्रूटली हिट्स लूफी। काइडो लूफी को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मारता है, मतलब गलती से मार देता है। और ये सीन वही सेम सीन होता है जो आज से 20 साल पहले ओडेन वर्सेस काइडो के फाइट में हुआ था। साथ ही साथ हमें फाइनल स्पॉइलर में यहाँ पर हमें बताया जाता है काइडो इज कम्प्लीटली शॉक्ड, बिकॉज ये वही सेम चीज हुआ है जो आज से 20 साल पहले हुआ था ओडेन वर्सेस काइडो के खिलाफ। काइडो का दिल टूट गया है भाई, उसको इतने सालों बाद कोई टक्कर का मिला जिसके साथ उसे फाइट करने में मजा आ रहा है, और क्या आके कोई कबाब में हड्डी घुस जाता। अब देखो इसके बाद क्या होना चाहिए भाई, सीपी जीरो की तो खैर नहीं, काइडो धोने वाला उनको गंदी तरह से, बजाने वाला, मैं वो चीज यार देखना चाहता हूँ। बिकॉज आज से 20 साल पहले जब ओडिन वर्सेस काइडो का फाइट हुआ था, वहां पर भी कोई कबाब में हड्डी घुस गया था, अब यहाँ पर भी एक कबाब में हड्डी घुस जाता है, और जिस वजह से लूफी शायद हार जाए और काइडो अभी गुस्सा हो जाएगा, और शायद हो सकता है वो सीपी जीरो के ऊपर हमला कर दे, और उसका पूरा का पूरा गुस्सा जो है जाकर के वर्ल्ड गवर्नमेंट के जो शिप्स आ रहे उनके ऊपर भड़क उठे, और वो जाकर के उनको बजाना शुरू कर दे। बिकॉज यार वो लोग वानों को कब्जा करने तो पहली बात आ रहे हैं, प्लस काइडो को इतना टाइम बाद मजा आया था, और इन लोगों ने वहां पर उंगली किया है। मैं ये चीज देखना चाहता हूँ जब काइडो पूरा गुस्से में आ जाएगा, अभी तो ऐसे ही लिलिन हारने के बाद वो गुस्से में था, अभी और ज्यादा गुस्से में आके क्या करेगा काइडो, मैं वो चीज देखना चाहता हूँ। बिकॉज यहाँ पर उसका गुस्सा जो है लूफी से हटके, जो न्यू जनरेशन के मेंबर से हटके, अब उसका गुस्सा फूटने वाला है सीपी जीरो के खिलाफ। भाई सीपी जीरो की तो खैर नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर फाइनल लाइन में यहाँ पे लिखा गया है नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। तो यार बिंदास एंजॉय करो, हमें ब्रेक नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पर काइडो नेक्स्ट चैप्टर में फिर बजाने वाला है, वो चीज हमें जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। प्लस इस हफ्ते चैप्टर आ रहा है जो कि और ज्यादा बवाल होने वाला है, इसके बाद ब्रेक भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होगा भाई। तुम्हारा क्या मानना है तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। प्लस अगर तुम इस वीडियो पे नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना, बिकॉज यहाँ पर मैं वन पीस के वीडियो डालते रहता हूँ ऐसे ही। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी मार देना, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, मैं सभी के रिप्लाई दे देता हूँ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।